कोई कहता है कि उनकी विमान काट के जो लेके आएगा उसको मैं 11 लाख दूंगा, कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं। मैं इसका मतलब ये समझता हूँ कि ये साजिश का हिस्सा अब है। जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसी को, वो आज राहुल गांधी है। पहले मोदी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बोला। उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला यही नहीं थमा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने राहुल गांधी की जीभ जला देने वाला विवादित बयान दिया। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के इन विवादित बयानों और उन बयानों के खिलाफ देश भर में कांग्रेस नेताओं के चल रहे प्रदर्शन के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी की जान को लेकर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में, उनकी सुरक्षा के मामले में या उनकी जान को जो खतरा राजनीतिक दलों से देश के जो सामने आया है, वो बहुत ही गंभीर बात। अब दो दिन से जो बातें सामने आई है, वो जो मैंने बात कही थी अगस्त के 1 तारीख को, उसको पुष्टि देने वाली ये बात है। इस देश के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री सरकार की, महाराष्ट्र के बीजेपी के जो अलायंस है उनके एक विधायक और भी कुछ लोग, सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने। कोई कहता है कि उनकी विमान काट के जो लेके आएगा उसको मैं 11 लाख दूंगा, कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। दरअसल संजय राउत ने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश को 2024 के चुनावी नतीजों और इंडिया गठबंधन के बैनर तले राहुल के नेतृत्व में एकजुट होते विपक्ष को वजह बताई है, लेकिन साथ में जोड़ते हैं कि लोकतंत्र में ये तरीका कतई सही नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश का पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और होता रहेगा, उससे अगर किसी के मन में डर पैदा हुआ है तो लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में ये समस्या हल करने का ये मार्ग नहीं कि विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जाए। ये रशिया में होता है, ये रशिया में होता है कि विपक्ष के नेता को खत्म किया जाता है, और हो गया है, पुतिन ने कर दिया है, और भी देशों में हो सकता है। संजय राउत इससे आगे पीएम मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर जुबानी हमला करते हुए कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश के नेता प्रतिपक्ष पर ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री ने आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है। कि राहुल गांधी का हश्र भी, हाल भी उनके दादी जैसा या उनके पिताजी ऐसा करना चाहिए कर देंगे, ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं ये उसका मतलब ये समझता हूँ कि ये साजिश का हिस्सा अब भी है, अब भी है। इसलिए हमें चिंता है, हम कंडेम करते हैं इस बात का, और खास करके ये दो प्रमुख नेताओं की जो चुप्पी साधे उसके मामले में, लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका नेता प्रतिपक्ष है जिसको कैबिनेट रैंक है, उसके खिलाफ आपके पार्टी के लोग धमकाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, और आप चुप बैठते हो, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
संजय राउत की आशंका और कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को देखकर ऐसा लगता नहीं कि राहुल गांधी से जुड़े इस मुद्दे पर विपक्ष इतनी जल्दी शांत होने वाला है। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी और धमकी भरे बयानों के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी और शिवसेना के चार नेताओं के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई है।